वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ब्रॉक लेसनर हमें क्यों मिस होते हुए दिखाई दिए थे मंडे नाइट रॉ से, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि भाई रोमन रेंस ने एजे स्टाइल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल रेन के अंदर, एंड ऑल्सो डॉफ जिगलर रिटायरमेंट को लेकर, जेफ हार्डी रिटर्न को लेकर, सीएम पंक के रिटर्न को लेकर, एंड और भी अच्छी खासी अपडेट है इस वीडियो में। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो चलते हैं फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं, एंड टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जेफ हार्डी की तरफ से। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जो आज हमें ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट देखने को मिल रहा था, उसके अंदर हमें यहाँ पर जेफ हार्डी अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं फाइनली। यानी कि कम से कम साल भर तो हो चुका है, मुझे लग रहा है साल भर बाद हमें जाके जेफ हार्डी का रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि ड्रग इशूज की वजह से ये इनको रिहैब में डाल दिया गया था। तो अब जाके ये ठीक हुए हैं, अब जाके हमें जेफ हार्डी का रिटर्न देखने को मिला है, और वैसे ये जेल में भी गए थे तो ऐसा कुछ यहाँ पर अपडेट आया था। तो फाइनली भाई जेफ हार्डी सारी चीज़ों से छूटकर आज़ाद होकर वापस हमें डब्ल्यूडी के राइवल कंपनी के अंदर AEW में आते हुए दिखाई दिए। तो इसको लेकर आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, एंड होप करते हैं कि भाई जेफ हार्डी का करियर जो बचा है वो ढंग से जाए, नहीं तो फिर बेकार में जाए। अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, और ये है जो कि CM Punk को लेकर। तो CM Punk का ये अपडेट सुनकर ना भाई कहने को मन करेगा कि भाई ये क्या बंदा है, क्या बंदा है ये CM Punk, किस बंदे को मैं इतना अच्छा मानता था। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि अपडेट हमें यहाँ पर ये देखने को मिली है फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से, जिनका ये कहना है कि पिछले कुछ महीनों में, यानी कि एक महीने लगभग हुए रहेंगे, तो CM Punk ने रिक्वेस्ट किया है ऑल एलीट रेसलिंग यानी कि AEW से कि वो चाहते हैं कि एक बार फिर से वो ऑल एलीट रेसलिंग के साथ में कम्पीट करें, वो रिंग के अंदर अपना रिटर्न करें और वो टेलीविज़न पर रिटर्न करें। ऐसा कुछ यहाँ पर CM Punk का कहना था, यानी कि CM Punk एक बार फिर से राइवल कंपनी के अंदर यानी कि AEW के अंदर वापस आना चाहते हैं, और उनको कैसे धक्के मार के निकाला गया था ऑल एलीट रेसलिंग से, और कैसे उनके कॉन्ट्रैक्ट को फ्रीज कर दिया गया था। तो फिर भी यहाँ पर CM Punk भाई ऐसा बंदा है जो कि इतना बदनामी करके ऑल एलीट रेसलिंग का, इतने मतलब लड़ाई झगड़ा सब कुछ करके बैक स्टेज, फिर भी वो बंदा उसी कंपनी में आना चाहता है। इतना बड़ा लतखोर मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा कौन सा प्रोफेशनल रेसलिंग सुपरस्टार होगा जो कि भाई जिस कंपनी के अंदर झगड़ा कर लिया उस कंपनी के अंदर वापस आना भी चाहेगा, वो भी इस तरीके का। WWE वाला तो समझ में आता, लेकिन ये इस तरीके वाला झगड़ा था जो कि अनएक्सपेक्टेड था कि भाई उस कंपनी के अंदर दोबारा मैं देखूँ ना, ये बंदा बेचारा वापस आना चाहता है। तो भाई CM Punk को तुम समझ सकते हो, बंदा क्या है ये, कैसा है ये, भाई कितना रिस्पेक्ट था इस बंदे के लिए, सारा रिस्पेक्ट मेरे पैर के नीचे आके दब गया। अभी तो तुम क्या कहना चाहोगे भाई कमेंट में जरूर बता देना इस रिस्पेक्ट को लेकर CM Punk के। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है डॉफ जिगलर को लेकर। तो डॉफ जिगलर जो कि अपने रिसेंट के इंटरव्यू के अंदर डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं अपना रिटायरमेंट को लेकर, और वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि किसके साथ में वो अपना लास्ट मैच लड़ना चाहेंगे, जहाँ पर उनका ये कहना था कि द मिज, जॉन मॉरिसन, जैक राइडर और रेयान नमित, यानी कि उनके जो भाई हैं, इनमें से चार एक कोई भी सुपरस्टार हो या फिर चारों में से किसी एक सुपरस्टार के साथ में, सभी सुपरस्टार के साथ में वो कंपीट करना चाहेंगे अपना लास्ट मैच, यानी कि इन चारों सुपरस्टार में से एक सुपरस्टार के साथ में वो मैच रसल करना चाहेंगे अपना लास्ट और रिटायरमेंट मैच। तो ऐसा कुछ यहां पर डॉफ जिगलर कहते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि अब वो अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दिए हैं, और वो अपना रिटायरमेंट मैच इन चारों सुपरस्टार में से किसी एक के साथ में रसल करना चाहेंगे। तो ऐसा कुछ यहां पर डॉफ जिगलर की तरफ से देखने को मिलता है। तो देखते भाई डॉफ जिगलर हमें कब तक रिटायरमेंट लेते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि भाई हाल फिलहाल में तो वो कहीं दिखाई नहीं दिए WWE के अंदर। सी वैसे क्या कुछ देखने को मिलता है डॉफ जिगलर को लेकर। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है द हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। तो रोमन रेंस ने एक काफी इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और ये रिकॉर्ड था WWE चैंपियनशिप के लॉन्गेस्ट रेन का मॉडर्न एरा के अंदर, जहां पे एजे स्टाइल्स 371 डेज यानी कि 371 दिनों के साथ में नंबर चौथे पे जा चुके हैं, क्योंकि रोमन रेंस ने यहां पर रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है एजे स्टाइल्स का। अब रोमन रेंस तीसरे बंदे हो चुके हैं जो कि 374 दिनों का लॉन्गेस्ट WWE चैंपियनशिप का टाइटल रेन हो चुका है इनका, तो ये भी एक काफी बड़ी बात है। नंबर थर्ड पे आ चुके हैं, नंबर सेकंड पे जॉन सीना जो कि 381 टाइटल डेज रेन के साथ में WWE चैंपियनशिप के, और नंबर वन पर CM Punk है 434 दिनों का। तो ये कुछ यहाँ पर लिस्ट है, तो भाई रोमन रेंस यहाँ पर क्रॉस करते हुए दिखाई दे जाएंगे इन दोनों सुपरस्टार को भी, जॉन सीना को तो कुछ ही दिन में, और CM Punk को तो बहुत ही जल्दी उनको भी क्रॉस कर देंगे। तो देखते हैं वैसे क्या कुछ देखने को मिलता है।
वैसे टाइटल रेंज भाई दोनों जगह पे रोमन रेंज का काफ़ी बेस्ट चल रहा है। यूनिवर्सल चैंपियनशिप की तो बात ही छोड़ दो, WWE चैंपियनशिप भी यहाँ पर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रही है रोमन रेंज के साथ में। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। तो ब्रॉक लेसनर हमें क्यों मिस करते हुए दिखाई दिए थे पिछला मंडे नाइट रॉ, तो इनको लेकर अपडेट हमें यहाँ पर ये देखने को मिली है PW इनसाइडर की तरफ से, जिनका ये कहना है कि फैमिली वेकेशन के लिए ब्रॉक लेसनर फैमिली के वेकेशन में गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने पिछला मंडे नाइट रॉ मिस कर दिया। तो ये एक काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है ब्रॉक लेसनर को लेकर, और वो अगले मंडे नाइट रॉ के अंदर कंफर्म है कि वो आएंगे ही। तो ये कुछ यहाँ पर अपडेट है। तो भाई क्या कुछ कहना है आप लोग का इन सारे अपडेट्स के ऊपर कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके जरूर फॉलो भी कर लो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने RKO था लगाया।